देखो वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, हमने अभी ये देखा कि हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो कितने टाइप के हैं, वो दो टाइप के हैं, या तो पीएनपी है या एनपीएन में। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को एक बार देख लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग करने के लिए एक बार मैं अपना डायग्राम यहाँ पे खुद से बनाता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई, ये रहा पी, ये रहा एन और ये रहा पी। ये मैंने इसकी कर दी फॉरवर्ड बायसिंग प्लस, और ये रहा नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायसिंग, और इसकी कर दी रिवर्स बायसिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे। अब सपोज करो कि पी के अंदर मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स हैं, होल्स हैं, और एन के अंदर थोड़े बहुत मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी के अंदर भी होल्स हैं, ये लो। ठीक है, इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि आपने बायसिंग की, प्लस ने पॉजिटिव होल्स को क्या किया, रिपेल किया। प्लस ने पॉजिटिव होल्स को रिपेल किया, रिपेल किया तो होल ने राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। जाते जाते ये एन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर गए, न्यूट्रलाइज कर गए, क्योंकि 5-7 ये 5% के आसपास होते हैं, तो अगर ये 100 हैं तो ये 5 हैं। तो इमेजिन करो इसके पास शुरू में कितने होल्स थे, 100 होल्स थे। शुरू में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास भी शुरू में 100 होल्स थे, ये सिचुएशन थी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ने 100 होल्स को रिपेल किया, इसके सारे होल्स चले गए, जाते जाते 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर गए और बचे कितने होल्स, 95 होल्स यहां पर आके पहुंच गए। इक्वेशन खराब हो गई, इसको अपने होल चाहिए, इसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये कह रहा है मेरे पास फालतू 95 होल्स हैं, इसको लेके जाओ। उसी टाइम बैटरी क्या करती है, लेफ्ट वाली बैटरी यहां पर 100 बॉन्ड तोड़ती है सिलिकॉन के। 100 बॉन्ड तोड़ते ही क्या रिलीज होते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसे खींचेगी, खींच के 5 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगी। तो इसका हिसाब पूरा कर दिया इसने, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 95 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, ताकि ये 95 इलेक्ट्रॉन 95 होल्स के साथ क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। बराबर हो गया हिसाब। तो जब ये 100 होल्स अपनी जगह छोड़ के गए, अपनी जगह क्या हो दे गए, 100 हिसाब फिर बराबर है, 100 होल्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 होल, फिर 100 होल चलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर 95 पहुंचेंगे, फिर बॉन्ड टूटेंगे, फिर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 में से 5 यहां सप्लाई होंगे, 95 यहां होंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 5 जब 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले थे तो करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ऊपर थी। 5 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे सप्लाई हुए थे तो करंट कहां पर है, नीचे। 95 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए थे तो करंट कहां पर है, नीचे। क्योंकि इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, एमीटर, तो ये कौन सा करंट है, एमीटर करंट। इसको बोलते हैं बेस, तो कौन सा करंट है, बेस करंट। इसको बोलते हैं कलेक्टर, तो कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट। तो तीन किस्म के करंट इसमें होंगे, और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि पहले ये सीबीएसई के कोर्स में था, अब ये हट गया है, पहले ये वर्किंग लिखने को आती थी, अभी से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ करंट होते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि करंट की डायरेक्शंस मैंने कैसे लिखी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें कि जो करंट, जो एमीटर करंट है वो इधर जा रहा है, बेस करंट नीचे आ रहा है, कलेक्टर इधर आ रहा है। जंक्शन लॉ अगर लगाएं तो एमीटर का करंट इज इक्वल टू बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट। तो ये एमीटर का करंट इज बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट, ये किरचॉफ लॉ से आप लिख सकते हैं। आप अगर ये डायग्राम नहीं चाहते, इसकी जगह ये डायग्राम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर का, एक ही बात है। जैसे डायोड का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। ट्रांजिस्टर के सिंबल में एक फ्लैट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, और दो लाइंस हैं। एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो होल राइट जा रहे हैं। होल्स क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो रहे हैं, तो होल्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, एमीटर से बेस की तरफ है। तो एमीटर से बेस की तरफ ये होल की डायरेक्शन है, तो ये इसका सिंबल है। तो आपकी बुक चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए, बात एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी वर्किंग है और करंट की डायरेक्शंस ऐसी। ठीक है यहाँ तक? तो अब इसके अंदर अगर ये पीएनपी की जगह एनपीएन होता, ये कुछ पढ़ना नहीं है आपने, पीएनपी की जगह एनपीएन होता, एनपीएन ट्रांजिस्टर, सब कुछ सेम है, बस पी की जगह एन है, एन की जगह पी है, पी की जगह एन है, बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे हो गए, इधर भी उल्टे हो गए, क्योंकि ये उल्टा हो गया तो बाइसिंग ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स करने के लिए बैटरी को उल्टा करना पड़ा। करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई, उसमें करंट ऊपर था, इसमें नीचे है, उसमें नीचे था, इसमें ऊपर है,
उसमें नीचे था, इसमें ऊपर है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. तो इसके अंदर फिर से किरचॉफ ला एप्लीकेबल है, आई ऑफ ई इज इक्वल टू आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, ये एप्लीकेबल है. आप इसमें ऐसा ये लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ जो इसने लगाया हुआ है, दैट्स इट. ये पता होना चाहिए एमपीएन और पीएन की वर्किंग में. यहाँ तक क्लियर.